बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पढ़ना है कनेक्टिव्स और रेफरेंसेस के बारे में, ठीक है। जो कनेक्टिव्स और रेफरेंसेस यानी कि जो होते हैं कि ये लिंक करते हैं लफ्ज़ों को आपस में, लफ्ज़ों का आपस में ताल्लुक बताते हैं, दो सेंटेंसेस को या दो मुख्तलिफ बातों को या दो सेम बातों को या कोई भी किसी भी किस्म के दो सेंटेंसेस को जब आपस में आपने जोड़ना होता है, उनको एक सेंटेंस में आपने जब परोना होता है ना, तो आप लोग कनेक्टिव्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें, इस लेसन में आप लोगों को बताया जाएगा कि रेफरेंसेस क्या होते हैं और कनेक्टिव्स क्या होते हैं। सेंटेंसेस और जो पैराग्राफ्स होते हैं, ये सिर्फ कोई लफ्ज़ नहीं होते कि आपने बस लफ्ज़ उठा के लिख देने हैं, ठीक है, बल्कि वो एक आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं। इस लेसन के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स के थ्रू आप लोगों ने सेंटेंसेस को कैसे लिंक करना है, कैसे उनको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा वर्ड जो है ना वो कनेक्टिव है, कौन सा रेफरेंस है, ठीक है। आपकी रीडिंग स्पीड और आप लोगों की जो कॉम्प्रिहेंशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं सेंटेंसेस के दरमियान या सेंटेंसेस में ही मुख्तलिफ लिंक्स को आप जब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है, रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन विल इंक्रीज टू रिकॉग्नाइज द लिंक्स, ठीक है, याद करना है आप लोगों ने ये वाला सेंटेंस। रेफरेंसेस क्या होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, यानी कि एक आपने उन्हें नाम यूज किया पहले उसकी जगह, फिर आप लोग सारे सेंटेंसेस में ही शी इट जो है वो आप लोग यूज करते हैं। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। आपने पहले एक वर्ड, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने वैन का वर्ड यूज किया है, आप लोग बाद में जो है ना वो दैट का वर्ड यूज कर देते हैं वैन के लिए ही, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है कि वो रेफर कर रहा होता है वैन को, ठीक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये सारे रेफरेंसेज होते हैं, ठीक है। कभी कभार हम लोग जो है ना लफ्ज़ों के सब्स्टिट्यूट्स के तौर पे हम लोग उनको जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं जो पहले या बाद में आने होते हैं, ठीक है। यानी कि पहले एक वर्ड यूज़ हुआ है कि अली इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, ठीक है, और उसके बाद अगले सेंटेंस में आप कह देते हैं कि ही हैव वॉन 3 मैचेस कंसेक्यूटिवली, तो ही जो आप लोगों ने यूज़ किया है तो वो क्या होगा, रेफरेंस होगा, क्योंकि वो अली को रेफर कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो कनेक्टिव्स होते हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे होते ना बट, ठीक है, इन एडिशन, ठीक है, और इन समरी, एज अ रिजल्ट ऑफ, ऑल दो, हाउ एवर, ये वाले कनेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना आगे इसको जाके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ कि जैसे यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है मिस्टर सलमान बॉट अ न्यू कार, हिज चिल्ड्रन हैवंट सीन इट येट। आप यहाँ पे देखें कि जो हिज है ना ये किस के लिए यूज हुआ है, मिस्टर सलमान की जगह पे यूज हुआ है, तो हिज जो है ना वो रेफर कर रहा है मिस्टर सलमान को, जिसका मतलब क्या है, हिज क्या है, रेफरेंस प्रोनाउन है। आवर नेबर्स ओल्ड कार डिडंट वर्क बट देयर न्यू वन इज फाइन। अब ये देखें नेबर्स के बारे के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, देयर, उनकी, यानी कि नेबर्स की ही जो नई गाड़ी है वो ठीक है, ठीक है, तो जो देयर है वो क्या है, रेफरेंस हो गया नेबर्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बट वर्ड है ना, बट ये क्या है, कनेक्टिव है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद न्यू वन, न्यू वन किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए यूज हुआ है, तो वन जो वर्ड है न्यू वन, ये किसको रेफर कर रहा है, कार को, ठीक है। ये वाली बाकी आगे भी जो है ना वो इसी तरीके से लिखी हुई है, हम लोग सारी रीड नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर जो है ना वो फिर लंबा हो जाता है। आपको जस्ट एक समझाना होता है, आपको जस्ट एक कंसेप्ट बताना होता है, वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, बाकी आप लोग खुद जो है ना वो रीड कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव्स की। कनेक्टिव्स होते हैं वो एक लिंक होता है, मुख्तलिफ किस्म के आप लोग लिंक्स यूज करते हैं कंजंक्शंस के थ्रू, जो कि मुख्तलिफ आइडियाज को एक एक जो है ना वो जोड़ के एक रिलेशनशिप बना देते हैं मुख्तलिफ आइडियाज का। वो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो फ्रेजेस होते हैं, ये जो कनेक्टिव्स होते हैं या लिंक वर्ड्स हम लोग इनको कहते हैं, इनको हम लोग ट्रांजिशनल मार्कर्स भी बोलते हैं, जो कि आइडियाज को मुख्तलिफ या सेम आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है कि कनेक्टिव्स और द लिंक वर्ड्स आर कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल मार्कर्स दैट कनेक्ट आइडियाज टुगेदर। कनेक्टिव्स 7 किस्म के होते हैं, रिजल्ट के लिए यूज करते हैं आप लोग, कंट्रास्ट के लिए, कंपैरिजन के लिए, इलस्ट्रेशन या एग्जांपल के लिए, काज एंड अफेक्ट के लिए, यानी कि पिछले सेंटेंस में जो चीज़ बताई जा रही होती है उसका अगले सेंटेंस में कोई अफेक्ट बताया जा रहा होता है ना, तो आप लोग वहाँ पर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कनेक्टिव्स, जो उसके लिए स्पेसिफिक कनेक्टिव्स होते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद सीरीज और टाइम सीक्वेंस, और उसके बाद एडिशन के लिए भी आप लोग यूज़ करते हैं। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट होता है कि रिजल्ट वाले जो कनेक्टिव्स होते हैं ना वो आप लोग यूज़ करते हैं कि आप लोगों ने पहले सेंटेंस में एक बात कही, ठीक है, उस सारी बात का नतीजा अगले सेंटेंस में आपने बताना है, तो वो जो है ना नतीजा बताने से पहले आप जो वर्ड यूज़ करते हैं वो रिजल्ट होता है।
जैसे एक सेंटेंस आप लोग बोलते हैं, आगे आप लोग कहते हैं दस, दस के बाद आगे आप लोग जो है ना वो जो सेंटेंस बोलते हैं उसका मतलब होता है कि दस के बाद वाला जो सारा जो रिजल्ट जो सेंटेंस है ना वो पिछले सेंटेंस का ही रिजल्ट है। और रिजल्ट के लिए आप लोग ये वाले वर्ड यूज करते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस, इस वजह से, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, हैंस, ये सारी चीजें। ठीक है, ये आप लोगों ने ये वाले, ये आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव्स और रेफरेंसेस। और ये जो कनेक्टिव्स है ना वो आप लोगों के आते हैं पेपर में और एमसीक्यूज में भी जरूर आते हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन कनेक्टिव्स को याद करना है। उसके बाद वर्ड्स होते हैं जो कि कंट्रास्ट को सिग्नल करते हैं, यानी कि आपने पिछले सेंटेंस में कोई बात कही, अगले सेंटेंस में आपने बिल्कुल उससे डिफरेंट बात कहनी है ना, तो आप लोग ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं, बट, इन कंट्रास्ट, इंस्टेड, कन्वर्सली, हाउएवर, इवन, ऑन द अदर हैंड, इंस्पाइट, डिस्पाइट, ऑन ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये सारे जो है ना वो कंट्रास्ट के लिए यूज होते हैं वर्ड्स। ठीक है, अब ये भी आप लोगों के, ये सारे आप लोगों के कनेक्टिव एमसीक्यूज में वो पूछते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंपैरिजन शो करते हैं, यानी कि पिछले सेंटेंस में आपने कोई बात कही उसी से सिमिलर बात आप लोगों ने अगले सेंटेंस में कहनी होती है, तो कंपैरिजन वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक, लाइक वाइज, एज वेल, जस्ट एज, इक्वली, लाइक मैनर, सिमिलरली, ये सारे वर्ड्स आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, तो ऐसे वर्ड्स भी होते हैं कि जो कि ना इलस्ट्रेशन को या एग्जाम्पल को शो करते हैं। ठीक है, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कोई बात कही आपने उसकी एग्जाम्पल देनी है, तो आप लोग वो एग्जाम्पल देने से पहले आप लोग वर्ड यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, टू इलस्ट्रेट, वंस, फॉर इंस्टेंस, सच एज, इस तरह। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप लोग कॉज एंड अफेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि आपने जो है ना कोई सेंटेंस अगर आप लोगों ने पहले बोल, पहले आप लोग जो सेंटेंस बोलते हैं उसी सेंटेंस का कोई अफेक्ट या कॉज आप लोगों ने बताना है अगले सेंटेंस में, तो आप लोग ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं, दस, बिकॉज, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, देयर फॉर, एज अ रिजल्ट, इफ देन, ये वाले सारे आप लोग वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो आपने सीरीज बयान करने के लिए बताना होता है, यानी कि आपने पूरी एक चीज को एक सीरीज में या एक टाइम मैनर से होता रहे, तो आप लोग कहते हैं पहले ये चीज हुई तो आपने बताना है, दूसरे नंबर पे ये चीज हुई, तीसरे नंबर पे ये चीज हुई, तो आप लोग उसको ऐसे भी बताते हैं कि वन, उसके बाद फर्स्ट, या जो है ना आप लोग वन या आप लोग फर्स्ट कहते हैं तो उसके बाद सेकेंडली, थर्डली, अगले सेंटेंस के शुरू में आप लोग लास्टली या फाइनली, प्रीवियसली, यानी कि आगे पीछे या कोई भी आप लोग जो टाइम या जो सीरीज आप लोग बताते हैं उसके लिए आप लोग ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशन वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, एडिशन वर्ड होता है कि आपने कोई बात पहले की तो उसी बात में आप लोग इजाफा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप लोग फिर वर्ड्स यूज करते हैं वो ये वाले होते हैं, यानी कि आप लोग ने पहले बात की तो उस बात के आप लोग जो है ना सपोर्ट में जब आप लोग कोई बात करते हैं तो आप लोग इनमें से कोई एक वर्ड लगाते हैं, सेकेंडली, सेकेंड, फर्दर मोर, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये वाले जो होते हैं सारे। आगे कुछ ये जो सैंपल्स बताए हुए हैं, ये जो सैंपल्स है ना ये आप लोगों ने, मैं आप लोगों को एक जो है वो पढ़ा दूंगी तो बाकी आप जो है ना वो आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी, जो सैंपल है इसमें हम लोग पढ़ते हैं, सम पीपल ऑफकोर्स, ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, ये कनेक्टिव वर्ड है। ठीक है, यानी कि वैसे ही एडिशन के लिए आप लोगों ने यूज किया है। ठीक है, स्टिल बिलीव दैट शेक्सपियर कुड नॉट हैव रिटन द प्लेस एट्रीब्यूटेड टू हिम। ठीक है, बट क्या है यहाँ पे, फिर ये दो लफ्जों को कनेक्ट कर रहा है, तो बट जो है ना हम लोगों ने पढ़ा था कि बट किसके लिए यूज होता है, कंट्रास्ट के लिए, तो ये कंट्रास्टिंग कनेक्टिव है। उसके बाद दे हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग द फैक्ट दैट मैनी कंटेम्प्रेरीज ऑफ द शेक्सपियर, यहाँ पे जो दे वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है, पीपल्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, लोगों के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद शेक्सपियर वी न्यू एंड वर्क्ड विद हिम, अब ये हिम जो है ना वो रेफर कर रहा है शेक्सपियर को। ठीक है, कंसिडर्ड हिम, ये अगेन शेक्सपियर को ही रेफर कर रहा है। फर्स्ट क्या है, ये कनेक्टिव है, कौन सा कनेक्टिव है, एडिशन कनेक्ट नहीं, ये सीरीज और टाइम कनेक्टिव है। ठीक है, फर्स्ट एज द एक्चुअल ऑथर, सेकेंड ये भी सीरीज और टाइम कनेक्टिव है। ठीक है, वेरी फाइन ऑथर इंडीड, बेन जॉनसन फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा कनेक्टिव आपने यूज किया है, एग्जाम्पल्स के लिए, इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स का जो कनेक्टिव होता है ये वो है। नेवर डाउटेड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्लेस, विलियम ग्रीन आल्सो रेफर टू द शेक्सपियर एज अ वेरी फाइन प्ले राइट, दीज आर ओनली टू ऑफ द मैनी कंटेम्प्रेरी रेफरेंसेज दैट लीव लिटल डाउट दैट शेक्सपियर रॉट द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखें, विलियम ग्रीन also refer to Shakespeare as a very fine playwright. These are two. ये जो these है ये क्या किसके लिए refer हो रहा है, Shakespeare के लिए भी और William Green के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो सारा बता देना, him,
किसके लिए यूज हुआ था, शेक्सपियर के लिए, दे फ्यू के लिए, हु कॉन्टेम्परेरीज के लिए, तो ये यहाँ पे ना दोबारा से वही उन्होंने जो है ना वो आंसर उसका जो है ना वो बता दिया है। कनेक्टिव इसमें जो यूज हुए थे हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं आगे पहले, ठीक है। अभी ये सैंपल नंबर टू है, ये आप लोग खुद देख लीजिए, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वैसे आप लोग इजिली जो है इसमें से फाइंड कर लेते हैं वर्ड्स को, ठीक है। और ये आगे पैराग्राफ अगेन बताए हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि इसमें से भी आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं, तो हम लोगों ने एक जो है वो पढ़ा तो हम लोग इसको दोबारा से नहीं करेंगे, ठीक है। बस यही था हमारा चैप्टर, मेन जो है ना आपको यही बताना था, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करना था, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं और रेफरेंसेस क्या होते हैं, तो हमने उसके बारे में एक सैंपल भी पढ़ा है। बाकी आप लोगों को इसमें से कोई रटनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिए होते हैं ये आप लोगों के पेपर में नहीं आते, जस्ट ये है कि ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग कर लें, ठीक है। वैसे है होते ये इंटरेस्टिंग है, कर ले तो फायदा ही है। बाकी अल्लाह सब लोगों की मदद फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। LMS हैंडलिंग सर्विसेज आप ले अगर ले रही हैं तो वो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए 100% रिजल्ट की श्योरिटी होती है। आप लोगों को पहले रिजल्ट चेक कराया जाता है, आपने ग्रुप ज्वाइन करना है ट्यूशन के लिए, फ्री ट्यूशन के लिए, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।